सब्सक्राइब करें पंडित जी के चैनल को और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। राम राम मास्टर साहब, और क्या हाल है? आओ 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 बब्लू जी, आओ बैठो। और बताओ, लौंडे को नहीं लाए अपने? बस आ ही रहा है, वो पीछे है। राम राम मास्टर साहब। अबे यार, तुमने मेरे ऑफिस को क्या बना रखा है तुम लोगों ने यार? जाए बसे मर्जी चले जाते हो, यहाँ पे बैठ जाओ चुपचाप। और बताओ बब्लू जी, कैसे हो? ठीक है ठीक है। और तुम बताओ? तुम तो ठीक ही रहते बेटा। हाँ तो बबलू जी, बात यह है कि अब मैंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उस पर साइन करेगा ये प्रिंसिपल, गया तेल लेने। अब ये जब साइन करेगा तभी मैं स्कूल छोड़ूंगा। और वाकई सच्ची बताऊँ ना, मेरा बहुत मन है, क्योंकि आपके लौंडों से मैं इतना परेशान हूँ, इस क्लास के लौंडों से मैं इतना परेशान हूँ, जो तुम्हें क्या बताऊँगा। बबलू जी, आपको मैं वैसे ही बता चुका हूँ कि मेरा स्कूल छोड़ने का ना बहुत मन है। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। आपने वो जिद्दी मुर्गे वाली कहानी सुनी है? जो एक जिद्दी मुर्गा था, उसको ना उसका मालिक हमेशा कमरे में बंद करके रखता था, लेकिन जैसे तैसे करके ना वो कभी ना कभी बाहर भाग ही जाता था, भाग जाता था, फिर पिंजरे में रखता था, फिर भाग जाता था। उसका मालिक ना परेशान आ गया। उसने क्या किया कि साला उस मुर्गे को काटा पीटा और बना के खा गया। लेकिन वो मुर्गा भी इतना हरामी था, वो फिर से बाहर आ गया। इससे पता क्या मतलब बनता है कि वो मुर्गा है ये आपका लौंडा। बच्चा है छोटा मास्टर साहब, कभी कभी गलती कर देता है। हाँ तो बबलू जी, कभी कभी ना हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि तुम ये क्या ले आए? अच्छा समोसे लाओ, लीजिए लीजिए लीजिए, समोसे खाइए भाई साहब, समोसे खाइए। खाओ खाओ। अच्छा चटनी लाए हो? नहीं। तुम हमेशा यही करते हो, चटनी लाते रहो। तुम जाओ यार, तुम हमेशा जब समोसे लाते हो चटनी ले जाते हो। लो समोसे समोसे खाओ खाओ, ये समोसे खाओ। हाँ जी बबलू जी, तो पता है आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, कभी कभी ना अंदर से दिल खिलस जाता है, मन करता है गोली मार लूं। दिन भर ऐसे ऐसे लड़कों से पाला पड़ता है मेरा। बबलू जी, ये मैं बात आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ कुछ दिन तो ऐसे होते हैं ना कि मैं लटक के कर रहा हूँ, अंदर से ना जेल चुका हूँ, खलता है मुझे ये मास्टर की नौकरी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बड़ी मुश्किल से मुझे सिक्योरिटी गार्ड से मास्टर की नौकरी मिली है। मैं इसको छोड़ना चाहता था नहीं बबलू जी, बट क्या करूँ, आप जैसे ये जो लड़के हैं ना छोड़ने पर मजबूर कर देते। आ जाओ, बैठो। आ जाओ बैठो। बताओ सब जी, कैसे आना हुआ? अरे बचपन के एडमिशन कराना है। कोई नहीं, आ जाओ बैठो। हाँ तो बबलू जी, आपका जो लौंडा है ना, ये मुझे घसीट के ना जागते रहो कहने पे मजबूर करता है। मैं बहुत परेशान हूँ बबलू जी। तो बबलू जी, मैंने ना अभी पीछे मैथ की क्लास में एक आसान सा क्वेश्चन पूछा मैथ की क्लास में, फाइंड एक्स। सारे बच्चे तो लगे हुए अपने कार्यक्रम में, कोई कोई फार्मूला फिट कर रहा है, कोई कोई फार्मूला फिट कर रहा है। आपका लौंडा चुपचाप मेरे कान में आके पता क्या बोलता है? सर वो तो बेवफा निकली। अरे वो बेवफा निकली तो हम क्या करें? अरे मैं कोई दल्ला हूँ? कैसा क्वेश्चन पूछता है मुझसे? अरे मैंने तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछा तो तुम उसका इम्प्रेशन मुझे ये दे रहे कि हम क्या करें। बच्चा है, शरारते करता रहता है। बबलू जी, तो मैं अपने हालात में क्या बताऊँ, इस स्कूल में ना मेरा टट्टी करना भी बड़ा मुश्किल कर सकता है। जब भी कोई लड़का लेटरिन जाता है ना, तो गेट के पीछे उन्होंने मेरा नंबर लिख रखा है, उसमें लिखा हुआ है ना कि अगर तुम्हें एक्स्ट्रा कोचिंग रात में पढ़नी है ना, तो इस नंबर पर कॉल करो। बताओ क्या समाज में मेरी इज्जत रखी है लड़कों ने? जब रात को ना 12-12 बजे मेरे पास फ़ोन आते थे ना, तो मुझसे पूछते थे कि यसो पंडित जी अपना दो घंटा दोगे, 4 घंटा दोगे। तो कभी कभी मुझे पता क्या लगता था कि चल भाई, कोई बंदा ट्यूशन पढ़ना चाहता है। जब मैं उसको दिन में कॉल बैक करता तो कहता कि मुझे तो रात में पढ़ना है। अंदर तक के 4 हो जाते। मैं सोचता था कि अब मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आता मुझे अपनी ज़िंदगी। बबलू जी, आपको पता है क्लास में ये लौंडे मुझसे बीड़ी मांगते हैं। अबे मैं कहाँ बीड़ी पीता हूँ, मैं सादा सिंपल आदमी हूँ यार, इन्हें कौन समझाए? स्कूल में ना मेरी बेइज्जती कर रखी इन्होंने कतई। जब भी मैं ब्लैक बोर्ड पर चौक लेके पढ़ाने के लिए जाता हूँ ना, तो साला पीछे से आवाज़ आती है, बबली। हाँ निकनेम है हमारा। अच्छा तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अरे मैं समझ गया, तुम सब एक ही खेत के मूली हो, बाप बेटे हैं तो दोनों ही अच्छे से। जाइए बबलू जी, आप लोग जाइए। हेलो। अरे माँ जी, तुमने मेरा नाम यहाँ पे बबलू क्यों रखा है? अबे बच्चे तो बच्चे, बाप तक मुझे फ़ोन करके चिढ़ाते हैं।
ठीक है मैं घर आता हूँ भाजी, भाजी मैं भी घर ही आता हूँ।